मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस है ना, अगर आपको नहीं पता है तो मैं है ना आपको बताता हूँ कि आज है ना गाइस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो सुबह है ना 7:04 से स्टार्ट हो गया था और है ना 12:30 तक रहेगा। चलो आपको थोड़ी देर घर की सेटिंग करने के बाद मिलता हूँ। तो कल वाली वीडियो अपलोड कर दी अभी। तो भाई देखो, यहाँ पे हमारी मम्मा जी मैंगो शेक बना रही है हमारे लिए। अरे बस चीनी थोड़े से खट्टे है। बन के रेडी हो चुका है तो बहुत। अरे नहीं नहीं कैसे भी रेडी नहीं हो, अभी दूध आता है अम्मा जी। गाइस ये देखो, ये बन के रेडी हो चुका है हमारा प्यारा सा मैंगो शेक, जो हमारी मम्मा जी ने बहुत मेहनत से बनाया है सिर्फ 17 सेकंड्स में। तो थैंक यू अम्मा जी, वेलकम। तो चलो गाइस, ये वाला गिलास तो ऐसे पवन का है तो पहले उसे देते हैं। ये भाई आलसी को तो लेता हुआ बिल्कुल ही पकड़। थैंक यू बोल। हाँ पवन, थैंक यू। कैसा टेस्ट करके बता, टेस्ट कर। देखो लेते लेते पी रहा है, आलसी भाई खड़े होके पी ले यार। हाँ बता कैसा बना है, टेस्ट कर जल्दी। ना फिर भी कैसा बना है ये बताओ, फाइनल क्या देना चाहेगा ऑप्शन, मम्मा जी ने बनाया है ना कि मैंने। 100 क्या? वाह यार थैंक यू पवन। अभी मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करने लग रहा हूँ तो चलो आपको थोड़ी फ्री होकर मिलता हूँ। इसलिए से हम सब खेलने लग रहे हैं हाउसी, तो देखते कौन जीतता है। इसको पूरी उम्मीद है कि यही जीतने वाला है। भाई तेरे को पूरी उम्मीद है ना कि तू जीतेगा? नहीं तेरी गलत फहमी है। सबसे ज्यादा मैं जीता हूँ पवन, और पवन कुछ भी नहीं जीता है मानो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। और हाँ गाइस, अभी पवन ट्यूशन के लिए रेडी हो रहा है, ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है उसका। और बस चलो हम भी रेडी हो जाते हैं। और अपनी कॉपी किताबें पवन अपने बैग में रख रहा है बस अब, और फिर निकलते जल्दी। पवन अपनी पानी की बोतल भर रहा है। अरे बस कबूतर आगे से बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो बस टिफिन ही नहीं निकाला इसने अपना, अब निकाले जाके। नहीं कुछ नहीं भूला तू, चल अब कुछ ज़्यादा जल्दी निकल गया पवन। इससे जाना है देखो, चल इसमें चल लेते हैं। मैं तो बाइक दूसरी सोच रहा था, लेकिन चल इसमें चल। क्या बाइक? चलो इधर आपको थोड़ी देर में ना ट्यूशन पहुंच के मिलते हैं, ठीक है मोहन? तेरे बहुत जल्दी हो रही ना ट्यूशन जाने की। क्यों क्या हो गया? ठीक है दाइस, तो चलो आपको सीधा वहीं पे मिलेंगे अब। तो गाइस अभी अपन निकल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो क्या बताऊँ मैं। हाँ भाई रोज ही एक चीज बोल रहे, हो रही है तो हो रही है। हाँ तो हो रही है, तो गाइस सभी समर वेकेशन जल्दी से लग जाए। हाँ यार मजा आ जाएगा, नानी के देंगे। मैं तो अगर आप कोटा में हो तो आप पहचान ही गए होंगे। भाई समर वेकेशन में कितने प्लान बन जाए, ठीक है? एंड में जाना तो नानी के घर होता है। सभी आप देख सकते हैं, अभी अपन निकल रहे हैं, तो अभी आपको बाहर का व्यू दिखा देंगे। तो गाइस मेरे ट्यूशन आ चुके हैं, जा रहा हूं। और गाइस अभी आपको आपके ट्यूशन से अपने ट्यूशन से फ्री होके मिलेगा। हां ये देखो पवन जा रहा है अपने ट्यूशन। हाँ गाइस टाइम बता के जा रहा है कि 5:30 बजे लेने आ जाना। चलो आपको सीधा घर जाके मिलेंगे। फाइनली मैं पवन को छोड़ के घर पे पहुंच चुका हूँ उसकी ट्यूशन में। बाइक यहाँ पे पार्क करी है, तो चलो चलते हैं अब। और अभी बस है ना थोड़ी देर में अपन जिम का टाइम भी होने वाला है, तो आप कुछ देर जिम के लिए रेडी होके मिलेंगे। कल ना जिम नहीं गया था, अब क्या है जैसे जैसे आप जिम जाने लग जाते हो ना रेगुलर, तो अगर आप एक दिन भी जिम नहीं जाओगे ना उसके बाद आपको आदत से हो जाती है, तब तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। ऐसा कुछ हो जाता है लिटरली कि आपको मज़ा आना बंद हो जाता है कि यार जिम नहीं गए आज क्या करें, इस टाइप से कुछ। जैसे कि मैं जिम के रेडी हो चुका हूँ, मैंने बैग ले लिया है, तो चलो जिम पहुँचते हैं और कुछ दवाई में मिलते हैं। तो गाइस बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं बाइक में, बुलेट में, तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं जिम पहुँच चुका हूँ और मैंने मेरी बाइक यहाँ पे पार्क करी है, तो चलो चलते हैं। और आपको हमेशा की तरह थोड़ी देर में जिम से फ्री होके मिल जाएंगे, कुछ घंटों में बस।
तो गाइस फाइनली मैं जिम से फ्री हो चुका हूँ और है ना चलो घर चलते हैं गाइस। और आज तो मैं कुछ जल्दी थक चुका हूँ और है ना जिम में इतने मज़े आए गाइस, अब आपको घर जाके बताऊँगा मैं क्या हुआ। तो ये रही हमारी बाइक गाइस, चलो गाड़ी ऑन करते हैं। तो वैसे अभी मैं आथाराम भगवान जी के मंदिर और मैं दर्शन करके फ्री हो चुका हूँ, तो है ना चलो चलते हैं, अब आपको दर्शन करा ही दिए मैंने। तो वैसे अभी मैं आया हूँ माता जी के मंदिर में, तो लो आप भी दर्शन कर लो, मैंने तो कर लिए और आपको भी करा दिया, चलो गाइस अब चलते हैं। तो वैसे फाइनली मैं घर पर पहुँच चुका हूँ, अब मैंने मेरी बाइक यहाँ पर पार्क करी है, चलो चलते हैं। क्या वार्ड अंकल क्या बोल रहे थे? तो बस अभी भी गार्डन अंकल ने बताया कि बस उनके बाथरूम के नल खराब हो गया तो उसको सही कराना है, ऐसा बोल रहे थे गार्डन अंकल। चलो गाइस अब चलते हैं फाइनली घर पे। बस आज जिम में मैं क्या ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाया और उसकी एक वजह है बहुत बढ़िया सी जो आपको बताता हूँ मैं क्या हुआ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपनी अपलोड करी थी ना जिम की, तो है ना उस पर क्या मैंने जो गाना डाला था ना उस पर देख के ना दो हिस्सों में दिवाइड हो गए लोग, एक जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई वीडियो और मतलब हंसे जा रहे हैं उस वीडियो को देख कर, दोबारा देखना चाह रहे हैं इस टाइप के। कुछ लोगों को है ना इतनी अच्छी भी नहीं लगी अगर सच बताऊँ तो आपको, तो है ना बस इतना ही बोलना था मुझे। तो आपसे नहा धोके फ्री होके मिलता हूँ। मैं है ना सब्जियाँ खाने की जो है बाहर से मंगवाई है क्योंकि आज मोमोज का फास्ट है, तो चलो खोलते इसे देखते क्या है। तो बस ये तो है दाल मखानी हमारे कोटा की एक बहुत ही फेमस जगह की, जिसका नाम मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। और दूसरा खोलते हैं अब। और ये है काजू कड़ी और ये भी सेम जगह से मंगवाई है। और इस लास्ट बॉक्स में वैसे सोचो क्या होएगा, सोच लिया? अब मैं बताता हूँ क्या है इसके अंदर है, प्लेन जीरा राइस। ऐसे कि मैं नहा धोके फ्री हो चुका हूँ, इसी ऐसे कि मैं बनाए रख रहा हूँ ओट्स जिसमें प्याज तो मिर्ची और मैंने कट करके रख दिए, और मैं ना हल्के से घी में ये सब थोड़ा बहुत है ना इसको कर रहा हूँ और है ना उसका चलो बनाते हैं और थोड़ी देर में आपको फ्री होकर मिलता हूँ। तो वैसे यहाँ पे मैंने सिम पे गैस करके इसको बनने के लिए रख दिया है। तो भी ऐसे जैसे कि मैं जा रहा हूँ अपने मम्मा जी के एक छोटे से काम से नीचे, चलो चलते हैं। तो इस काम खत्म तो चलो अब घर पे चलते हैं। और चलो अपने ओट्स खाते हैं गाइस। देखो गाइस बन के रेडी हो चुके हैं। वेल गाइस मैं अपना लोग यहीं पेन करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो गाइस लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।